नमस्कार, विधायक का रिपोर्ट कार्ड देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शमशेर सिंह। विधायक का रिपोर्ट कार्ड जिसमें हम बात करते हैं हरियाणा प्रदेश के किसी एक विधायक से और ये जानने की कोशिश करते हैं कि वो विधायक अपने विधानसभा क्षेत्र के विकास को लेकर क्या सोचते हैं, उनके कार्यकाल में कितना विकास हुआ है और वहीं उनके कार्यकाल से पहले हल्के ने कितनी प्रगति की है। विधायक का रिपोर्ट कार्ड में आज हमारे साथ हैं महेंद्रगढ़ से कांग्रेस विधायक राव दान सिंह। कांग्रेस विधायक राव दान सिंह महेंद्रगढ़ की राजनीति में लंबे समय से सक्रिय हैं। राव दान सिंह हरियाणा विधानसभा में महेंद्रगढ़ का 4 बार प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। राव दान सिंह हुड्डा सरकार में सीपीएस रह चुके हैं। इनको हरियाणा के उन कांग्रेस नेताओं में गिना जाता है जो हरियाणा कांग्रेस की कमान पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा को दिए जाने की वकालत करते रहे हैं और उस गुट पर कुमारी शैलजा के खिलाफ मोर्चा खोलने के आरोप लगते रहे हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं में शुमार राव दान सिंह आज विधायक का रिपोर्ट कार्ड में हमारे साथ जुड़ेंगे, जिनसे सवालों, समस्याओं और आरोपों पर करेंगे खास बातचीत। लेकिन उससे पहले यह खास रिपोर्ट देखिए। हरियाणा की महेंद्रगढ़ विधानसभा इसलिए खास है कि यहां से लगातार 6 बार से 2 दिग्गजों के बीच प्रतिष्ठा की लड़ाई चल रही है। एक बीजेपी के दिग्गज नेता और हरियाणा के पूर्व शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा तो दूसरे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व सीपीएस राव दान सिंह हैं। लगभग 25 साल से दोनों दिग्गज नेता इसी सीट पर एक दूसरे को चुनौती देते आ रहे हैं। पिछले 6 विधानसभा चुनाव में महेंद्रगढ़ सीट पर 2 बार रामविलास शर्मा ने बाजी मारी है, जबकि 4 बार जीत राव दान सिंह को मिली है। लेकिन दोनों दिग्गजों के सियासी जंग में महेंद्रगढ़ की जनता को क्या मिला, ये बड़ा सवाल है। 148B नेशनल हाईवे का मामला है जिसको राव दान सिंह हरियाणा विधानसभा के पटल पर रख चुके हैं। डार्क जोन होने के चलते किसानों को ट्यूबवेल कनेक्शन की परेशानी से आज भी जूझना पड़ता है। 10-10 साल से किसान बिजली कनेक्शन का इंतजार कर रहे हैं। वही किसान महेंद्रगढ़ जिला हेडक्वार्टर के साथ लगती एक बड़ी मंडी की डिमांड लंबे समय से कर रहे हैं। सेंट्रल यूनिवर्सिटी में मेडिकल कॉलेज प्रस्तावित था, लेकिन उस पर ग्रहण लग चुका है। सेंट्रल स्कूल बनाने का सपना भी अभी अधूरा है। स्वास्थ्य सेवाएं रेफर सेवाएं बन चुकी हैं। इलाके की सबसे बड़ी मांग ये है कि महेंद्रगढ़ सिर्फ नाम का जिला नहीं बल्कि काम का भी जिला बनना चाहिए। लोगों का कहना है कि अधिकारी महेंद्रगढ़ में बैठते नहीं हैं, जिसके चलते दूर दराज के लोगों को नारनौल तक की लंबी दूरी तय करनी पड़ती है। महेंद्रगढ़ जिला शिक्षा का हब बन चुका है, लेकिन निजी स्कूलों की बाढ़ के चलते आम आदमी की जेब पर असर पड़ रहा है। वहीं भूतपूर्व सैनिकों को भी स्वास्थ्य सेवाओं की समस्या से जूझना पड़ता है। अहीर रेजिमेंट बनाने की मांग भी लगातार अहिरवाल क्षेत्र से उठती रही है। इन सभी समस्याओं और जरूरतों को लेकर कांग्रेस विधायक राव दान सिंह एक जनप्रतिनिधि होने के नाते कितना काम कर पाए हैं और भविष्य की क्या योजनाएं हैं, विधायक का रिपोर्ट कार्ड में जानेंगे उन्हें की जुबानी। तो कांग्रेस विधायक राव दान सिंह इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, पहले उनका स्वागत करेंगे और जो सवाल हमने इस रिपोर्ट में उठाए हैं उन पर बातचीत करेंगे। इसके साथ साथ जनप्रतिनिधि हैं, जनप्रतिनिधि होने के नाते कितनी समस्याओं पर वो फोकस इस वक्त किए हुए हैं, कितना कामकाज अब तक कर चुके हैं, लेकिन उससे पहले हम उनको ये भी सुनवाएंगे कि इलाके के लोगों का क्या कहना है। राव साहब, पहले आपका बहुत बहुत स्वागत कर लेते हैं खबर फास्ट पे और उसके बाद जो है हम बातचीत करेंगे आपसे, लेकिन उससे पहले आपको हम दिखाएंगे कि आपके इलाके के जो लोग हैं उनकी भी कुछ विचार सामने आए, उनका क्या कहना है वो आपको सुनवाते हैं। पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। राव साहब बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद सर, धन्यवाद। राव दान सिंह जी आपसे बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले इलाके के कुछ लोगों की प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं, वो क्या कहते हैं जरा सुन लेते हैं। महेंद्रगढ़ इस समय शिक्षा का हब बना हुआ है, इसमें कोई डाउट नहीं है। हमारे बच्चे, महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट के बच्चे खासकर, बहुत से बच्चे सीरियस में जाते हैं, यहाँ से एनडीए में जाते हैं, डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, साइंटिस्ट हैं, लेकिन अभी भी बहुत सी गुंजाइश है, बहुत सी समस्याओं से इन बच्चों को जूझना पड़ता है। और खासकर जब प्लस टू पास आउट करते हैं यहाँ से बच्चे, तो सब बच्चे दिल्ली या और कहीं चंडीगढ़ कॉलेजेस के लिए भागते हैं। तो एक बहुत बड़ी समस्या स्टैंडर्ड के कॉलेजेस ना होना, और उसका अर्थ ये है कि फैकल्टीज अच्छी हो और लैब्स बहुत अच्छी हो, क्योंकि लैब्स की बड़ी कमी है। कहने को तो यहाँ बहुत से
मेडिकल सुपरिटेंडेंट और बहुत से चिकित्सकों के पद सर्जित हैं, लेकिन आज उनमें से अधिकतर रिक्त पड़े हैं। SMO का भी पद रिक्त है। हालात ऐसे हैं शहर के कि मैं समझता हूं कि इससे बदतर हालात कभी हो नहीं सकते। गली गली में पानी खड़ा है, सड़कें टूटी पड़ी हैं, बेहद पानी जल भराव के कारण डेंगू मलेरिया फैलने की भयंकर आशंका व्यक्त की जा रही है। रोड की हालत ये है कि आप शहर में कहीं भी चले जाओ, सब जगह रोड टूटे पड़े हैं, टूटे पड़े हैं। अगर बाहर से कोई आदमी हमारे शहर में आए तो वो सबसे पहले इन रोडों की हालत देख के समझ जाएगा कि महेंद्रगढ़ का विकास कितना हुआ है, कितना इस तरफ ध्यान है। और सबसे बड़ी बात है कि पार्षदों की आपसी खींचातानी की वजह से महेंद्रगढ़ पिछले 5 सालों में बहुत पीछे जा चुका है। अगर इनका आपसी मतभेद नहीं होता तो सरकार की तरफ से तो इन्हें पूरी ग्रांट मिली है, मगर उस पैसे का ये सही इस्तेमाल नहीं कर सके अपनी आपसी रंजिश के कारण। हम अगर रोड की बात करें तो पूरे क्षेत्र में 148 भी हमारा हाईवे है, लेकिन जैसे ही महेंद्र विधानसभा शुरू होता है वहाँ से लेकर दादरी से छोड़ दे महेंद्र शुरू होता है तो वहाँ से खड्डे शुरू हो जाते हैं, और अगर नारोल से शुरू आना शुरू करे तो फिर महेंद्र विधानसभा रहते हैं, फिर खड्डे। आम आदमी तो जा ही नहीं सकता, बारिश के सीजन में तो इतनी जान माल की इतनी हानि होती है, इतने लोग मरते हैं, हम आपको बता ही नहीं दे सकते। और सर पार्किंग की नाम की तो कोई व्यवस्था ही नहीं है। शहर में अगर किसी मरीज की जान जाती है तो जान चली ही जाती है, बट कोई पार्किंग व्यवस्था नहीं है। प्रशासन बिल्कुल सोया हुआ है, शून्य है। महेंद्रगढ़ में वकीलों की सबसे बड़ी समस्या ये रही कि यहाँ पे महेंद्रगढ़ में सब डिवीजन पर ADJ कोर्ट की स्थापना होना, क्योंकि महेंद्रगढ़ सबसे हरियाणा का सबसे पुराना जिला है। जब हरियाणा के 7 जिले होते थे उनमें महेंद्रगढ़ का नाम होता था, लेकिन आज दिन तक महेंद्रगढ़ सब डिवीजन पे ADJ कोर्ट की स्थापना नहीं हुई, जिसके लिए बार एसोसिएशन महेंद्रगढ़ पिछले कई वर्षों से लगातार संघर्ष कर रही है। इसके लिए पिछले कई महीनों में तो लगातार महेंद्रगढ़ बार एसोसिएशन ने एग्रीटेशन शुरू किया है इसके लिए, लेकिन आज तक यहाँ पे ADJ कोर्ट की स्थापना नहीं हुई है। तो आपने सुना कि स्थानीय निवासी हैं वो महेंद्रगढ़ विधानसभा क्षेत्र के विकास को लेकर क्या बात कर रहे हैं। 148B का मसला उठा, अस्पताल में SMO नहीं है उसकी बातचीत सामने आई, और इसके साथ साथ ADJ कोर्ट की स्थापना को लेकर जो है बार एसोसिएशन मांग कर रही है। वहीं टीचर्स का ये कहना था कि यहाँ पर बढ़िया अच्छी लैब नहीं है, यहाँ के बच्चे शिक्षा के हब की बात करें तो ये बहुत बड़ा हब बन चुका है आजकल हरियाणा प्रदेश में, और यहाँ से मैं जो भी UPSC एग्जाम की बात आती है तो हर बार कुछ चेहरे ऐसे होते हैं जो महेंद्रगढ़ इलाके का नाम रोशन करते हैं, लेकिन ये शिकायत आई कि अच्छी लैब नहीं है। तो पहले तो स्थानीय लोगों की शिकायतों को लेकर राव साहब का क्या कहना है उनसे जानने की कोशिश करते हैं। राव साहब स्वागत है एक बार फिर से आपका, और स्थानीय लोगों ने जो है बातें कही हैं पहले उनका मैं आपसे रिएक्शन जानूंगा कि ये तमाम बातें उनके सामने निकल कर आई हैं सच में वाकई में ऐसा है क्या, और इन पर कितना काम करने की जरूरत है। देखिए मैं आपको 2 मिनट में पहले ये बताना चाहूंगा जी कि महेंद्रगढ़ आज से 7 साल पहले और महेंद्रगढ़ आज इसमें दिन और रात का अंतर है जी। एक समय था जब महेंद्रगढ़ को कानून के नाम से जाने जाते थे, बिल्कुल ग्रामीण अंचल के तौर पे इसको विकसित किया गया था। जब हमारी सरकार आई तो हमने बहुत सारी चीजों के लिए ये देख करके कि आम आदमी को बहुत परेशानियां हैं, इस शहर में 100 मीटर जगह भी नहीं थी किसी को सुबह पहले मॉर्निंग वॉक के लिए जाने की। वहाँ 14 एकड़ के अंदर एक बहुत खूबसूरत बाग बनाया हुआ है, आज भी वहां पर गार्डन में जाएंगे झूडा पार्क के अंदर जाएंगे तो आपको इस बात का एहसास हो जाएगा। पहला काम तो ये जी। दूसरा जो शिक्षा की आप बात कर रहे हैं इसमें कोई दो राय नहीं, शिक्षा का हब बना हुआ है महेंद्रगढ़, लेकिन इस शिक्षा के हब में कंट्रीब्यूशन किसका है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी आई तो हमारे टाइम पे आई, और 8 कॉलेज जिनको NOC दी गई तो हमारे टाइम पे दी गई, जितने स्कूल हैं आज लीडिंग उन सब की NOC दी तो हमारे टाइम पे दी, और उसके बाद 3 ITI, एक मालड़ा के अंदर, एक सतनाली के अंदर, और एक महिलाओं की पुरानी जो ITI थी उसके अंदर जी। इसके अलावा भी जितने भी आपने बातें कही हैं कि रोडों ये बात सत्य है कि 148B हमने तय कर दिया था, और उसके लिए लैंड का जमीन का अधिग्रहण हमारे टाइम पे हुआ। 1274 करोड़ रुपए की AVRCL कंपनी जो साउथ की थी उसको एक टेंडर दिया, उसने अपनी अर्नेस्ट मनी हरियाणा गवर्नमेंट के पास जमा कराई, लेकिन वो किसी वजह से पूरी सफल नहीं हो पाई और वो पैसे अर्नेस्ट मनी के छोड़ करके चले गए, और उसके बाद में सरकार ने नेशनल हाईवे से हटा करके इसको स्टेट हाईवे के अंदर ले लिया। आज तक उसका स्टेटस यही है। इस बात को मैं एक बार नहीं 2 बार विधानसभा में उठा चुका हूँ, और सदन के पटल पर माननीय मुख्यमंत्री ने और डिप्टी मुख्यमंत्री ने दोनों ने आश्वासन दिया कि हम इसको या तो नेशनल हाईवे से, और अगर नेशनल हाईवे नहीं
तो हम इसको स्टेट से फोर लेन का प्रोजेक्ट जो आपने तय करवाया था उसको स्पष्ट तौर पे राजस्थान बॉर्डर तक संपूर्ण करेंगे। अभी कल ही मैं चंडीगढ़ से आया हूँ, वहां पर मिस्टर निगम जो ACS है इसके PWD के, उनसे स्वयं मेरी व्यक्तिगत मुलाकात हुई है और उनसे मैंने पूछा कि आप मुझे ये बताइए, जब जमीन का अधिग्रहण हमने कर दिया है, पोल शिफ्ट करने की परमिशन दे दी है, NGT से पेड़ काटने की परमिशन आपके पास है, फिर क्यों नहीं इसको विकसित किया जा रहा? तो उन्होंने कहा कि ये अभी बात 148 से आज करके स्टेट गवर्नमेंट पे आ गई और SSIIDC इसको विकसित करने जा रही है। ये बातें कल की हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूँ उस रोड की। लेकिन उन्होंने 7 साल में कितने लोगों की जान चली गई, कितने लोगों के व्हीकल टूट गए, कितना नेशनल लॉस हुआ, इसका कोई अंदाजा नहीं लगा सकते। रही बात शहर की दशा नहीं, दुर्दशा है। एक समय था जब हमने कोई गली नहीं छोड़ी थी ऐसी जहां पर उनके पक्के रास्ते ना हो, सीवर हमने डलवाया था सीवर ना हो, लेकिन उन सब बातों को सब धो करके रख दिया 7 साल में। यहाँ जो पीछे की म्युनिसिपल कमेटी की जो बॉडी रही उनकी एक इतनी लंबी खेचतान सरकार के साथ रही कि हमारे लिए वे पैसे जो करोड़ों रुपए आज भी उनके अकाउंट में पड़े हुए हैं, एक पैसा विकास के ऊपर नहीं लगा पाए। मेरे क्षेत्र में महेंद्रगढ़ के साथ में सतनाली भी जोड़ा था, जो पहली बार 2009 में आया था। इससे पहले सतनाली सिर्फ एक गांव था, उस सतनाली के अंदर 36 साल तक पूर्व चीफ मिनिस्टरों का एक तरह से वर्चस्व राज रहा, जिसमें चौधरी बंसीलाल जी, भजनलाल जी और देवीलाल जी तीनों की सरकार के अंदर उनके साथी रहे और वो लोहारू और भिवानी पार्लियामेंट के क्षेत्र का एक हिस्सा रहे। लेकिन उसी के MP वहीं से उन्हीं के घर से परिवार से सदस्य इसके रिप्रेजेंटेटिव करते रहे, लेकिन उसके अंदर कुछ नहीं दिया। उनको ब्लॉक नहीं था, ब्लॉक दिया हमने। उनका तहसील नहीं थी, तहसील दी हमने। उनके कॉलेज नहीं था, कॉलेज दिया हमने। उनके ITI नहीं थी, ITI दिया हमने। तीन बार बस स्टैंड का उद्घाटन किया लेकिन उद्घाटन नहीं बना। तो हमने कहा जब चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा आए थे कि हम उद्घाटन नहीं करेंगे, हम इसका शिलान्यास नहीं करेंगे, उद्घाटन करेंगे, और हमने उसका उद्घाटन ही करके दिया। यानी ये एक विकास की बार जो सिर्फ हमारे टाइम पे बही थी, कांग्रेस टाइम पे बही थी, जब चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री थे उस टाइम पे बही थी। इसके अलावा इस प्रदेश के इस क्षेत्र को अति पिछड़ा हुआ रखा गया है। जहां तक वकील भाइयों की बात है, ये बात सत्य है कि वहां ADA कोर्ट अगर हो तो लोगों को रोज नारनौल जाने की अन्य सिंसिटिविटी की जरूरत ना पड़े। इतने ज्यादा केसेज हैं रोज नारनौल जाने से। यहाँ का किसान जो छोटी जमीन को संबंध रखता है उसके पास लैंड होल्डिंग बहुत कम है, रोज नारनौल जा करके अपने केसों के निपटारे के लिए नहीं पहुंच सकता। उन्होंने सरकार से, न्यायालय से, मुख्य न्यायाधीश से मांग की थी कि हमें यहाँ पर जो है एक ADJ कोर्ट दी जाए। अनेकों बार उनको आश्वासन दिया गया लेकिन आज तक ऐसा कुछ नहीं हुआ। राजवाल जिले की बात कही उन्होंने, जिला देखिए मैं समझता हूँ 7 जिले थे जब हरियाणा बना 66 में, उनमें से महेंद्रगढ़ एक था। आज हम फिर कहना चाहते हैं ये पहला जिला है जहाँ जिला महेंद्रगढ़ हेडक्वार्टर है नारनौल। मैं उनको बुरा नहीं मानता, उनका भी एक हक है क्योंकि हेडक्वार्टर बन चुका है, लेकिन हमारे पास प्रोविजन बन सकता है कि हम 1 जिले से 2 जिले बना दे। जब 2 7 से 22 बन चुके तो आप एक बड़ी मांग है, काफी लंबे समय से लोग मांग कर रहे हैं सतनाली और महेंद्रगढ़ और कनीना हो जाए, दूसरी तरफ से नांगल चौधरी नारनौल और अटेली हो जाए। 2 जिले बिल्कुल परफेक्ट बनते हैं जब काजरी बन सकता है, जब ना आपका पंचकुला बन सकता है, उससे भी ज्यादा हमारा जनसंख्या और उससे भी ज्यादा सब डिविजन और तहसील हमारे पास है, ब्लॉक हमारे पास है। ये हमने सरकार से एक क्या आपको ऐसा लगता है कि जिला बना दिया गया लेकिन मुख्यालय कहीं और चला गया, उसकी वजह से महेंद्रगढ़ का विकास जो है वो पूरी तरह से नहीं हो पाया? ये बहुत बड़ी मांग है और लगातार इसको लेकर बातें उठती रही हैं, लगातार ऐसी खबरें आती रही हैं कि जिला तो बना दिया गया लेकिन कामकाज हमें महेंद्रगढ़ की बजाय नारनौल में जाके कराना पड़ता है। और जो लोग दादरी से सटे कुछ ऐसे गांव हैं जो पड़ते महेंद्रगढ़ में हैं लेकिन काम नारनौल में जाके कराना पड़ता है। ये जो तैयारी है इसको फिर से करने की जरूरत है क्या? और महेंद्रगढ़ में अगर वहाँ जिला मुख्यालय सारे काम वहीं पर होंगे तो जो मार्केट है वहाँ की वो डेवलप होगी, वहां पर लोगों का इन्वेस्टमेंट को लेकर, इंडस्ट्रीज को लेकर, विकास को लेकर बातें होंगी। ये महेंद्रगढ़ जो है एक छोटा सा कस्बा बन के रह गया है, जिले के तौर पर विकसित नहीं हो पाया है शुरू से। बिल्कुल सही बात है, इसमें कोई दोहरा नहीं। और साथ में एक बात और कहना चाहता हूँ, सेंट्रल यूनिवर्सिटी महेंद्रगढ़ के अंदर एक सेंट्रल स्कूल और एक मेडिकल कॉलेज प्रपोज था। मैं कहता हूँ चलो आज कोरियावास में बना दिया गया, हमें खुशी है इस बात की कि वहाँ भी हमारे भाइयों को इस सुविधा का एक फायदा होगा, लेकिन मैं ये कहता था ये सेंट्रल प्रोजेक्ट था। तो आज भी हमारे पास 78 एकड़ जमीन आइडेंटिफाइड है जो सिर्फ वहाँ पर मेडिकल कॉलेज के लिए रखी हुई है। केंद्र सरकार से मांग करके उसको यहाँ पर लाया जाए ताकि यहाँ के लोगों को
जो बहुत बड़े क्षेत्र की एक सुविधा और इसमें रुकावट कहां पर आई? सेंट्रल यूनिवर्सिटी में मेडिकल कॉलेज की आप बात कर रहे हैं या आपके वक्त में इसको लेकर आप लोगों ने इसकी कोशिश की और इसको लेकर जमीन अधिग्रहण भी हुआ, लेकिन अब जो रुकावट है वो कहां पर आपको दिखती है? बहुत बड़ी बात है कि उसको इस सरकार भाजपा सरकार जब से आई है उसको परस्यू नहीं किया गया और ये सोच करके नहीं किया गया कि इसका श्रेय अगर मिलेगा तो कांग्रेस और कांग्रेस के विधायकों को मिलेगा। मैं हमेशा एक बात कहता हूँ, नेगेटिव नहीं पॉजिटिव होकर के श्रेय लेने की और देने की जरूरत नहीं है। लोगों को उनके साधन संपन्न और सब चीजें सहूलियतें प्रदान करने की जरूरत है। अगर आज वो मेडिकल कॉलेज बनवा देते हैं, श्रेय कोई जो चाहे ले ले, हमें श्रेय की जरूरत नहीं है। हम आज भी सरकार से मांग करते हैं कि मेडिकल कॉलेज सेंट्रल यूनिवर्सिटी में बने, जमीन हमारे पास है, अगर आप वहां पर परमिशन दे देंगे तो इस इलाके के बहुत बड़े क्षेत्र को वहां पर सुविधाओं से आप बिल्कुल। तो क्या जवाब मिलता आपको सरकार से जब आप इसको लेकर सवाल उठाते हैं? सरकार का क्या जवाब होता है? हम केंद्र से इस बात को टेकअप कर रहे हैं और आपको बहुत जल्द हम बताएंगे कि सरकार ने किस तरह से हमें इस बात के लिए आश्वासन दिया है। ये उन्होंने बात हमेशा हमेशा कही है। एजुकेशन का हब है जैसे बात कर रहा हूं, बताता हूं मैं मेरे क्षेत्र की बताता हूं। देखिए स्टेडियम नहीं था उस टाइम पर, स्टेडियम बनाया जो आज बदहाल है। वहां पर आपके जिम्नास्टिक के लिए हमने 11 लाख रुपए का मटेरियल दिया, वो आज ये नहीं पता वो कहाँ गया। स्विमिंग पूल वहाँ 3.5 करोड़ रुपए की लागत से बना के दिया, आज तक उसमें एक बूंद पानी नहीं डला। 7.5 करोड़ की लागत से ऑडिटोरियम बना के दिया, आज उसके जो पर्दे हैं उनके ऊपर दीमक लगी हुई है। ये इसकी रख रखाव इस सरकार का है। और उसके बाद एक और सुनिए, जिस टाइम पे यहाँ किला था जिसमें हमारे तहसील और सब डिविजन होता था, उस जिले की बजाय हमने नया मिनी सेक्रेटरी और जुडिशियल कॉम्प्लेक्स बनवाया। आज उस किले को हम चाहते थे टूरिज्म के तौर पे डेवलप हो और दो किले हमारे पास हैं, किसी दूसरे के पास नहीं है। हरियाणा के अंदर आप जानते हैं कि मेडिकल टूरिज्म के अलावा अगर टूरिज्म की कोई बात करता है तो हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट और कोई भी हेरिटेज बिल्डिंग कहीं नहीं है, जो दो किले हमारे पास हैं। अगर उनको विकसित करें तो दिल्ली से जाने वाला जो भी सैलानी यहाँ आएगा वो महेंद्रगढ़ होकर के जाएगा तो उसको माधोगढ़ और महेंद्रगढ़ के किलों में से देखने के लिए बहुत सारी पुराने ऐतिहासिक चीजें मिलेंगी। उस बात के लिए हमने बहुत प्रयास किया लेकिन इस सरकार ने सारे उन अरमानों के ऊपर पानी फेर दिया। आज तक उस काम में कोई प्रोग्रेस करके उन्होंने सेंट्रल स्कूल को लेकर भी हम बात कर रहे हैं, जैसे एजुकेशन अब की बात हम करें, महेंद्रगढ़ बना हुआ है, लैब की व्यवस्था नहीं है बेहतर, लोगों को दिल्ली जाके पढ़ना पड़ता है, चंडीगढ़ पढ़ाई करनी पड़ती है, इन चीजों को लेकर बात होनी चाहिए। आप चाहे सत्ता में हैं सत्ता में नहीं, एक बात और आपसे पूछूंगा, और सेंट्रल स्कूल को लेकर भी बात हुई कि वो बने, सेंट्रल स्कूल ना बनने की वजह से छात्रों को प्राइवेट स्कूलों में पढ़ना पड़ता है, टैलेंटेड बच्चों को पढ़ाई करनी पड़ती है, लेकिन माँ बाप गरीब हैं तो वो इतना खर्च नहीं उठा सकते, बहुत बेहतर आर्थिक स्थिति नहीं है दक्षिण हरियाणा के लोगों की। बिल्कुल सत्य है, इसमें कोई दो राय नहीं और मुझे खुशी इस बात की है कि हमारे बच्चों में इतनी बड़ी प्रतिभा है कि आज हरियाणा के 11 बच्चे जो है ना एचपीएससी के अंदर यूपीएससी के अंदर उत्तीर्ण होकर आईएएस आईपीएस आईआरएस और इन सर्विसेज के अंदर आए हैं, जिनमें से 4 अपने क्षेत्र के हैं, मेरे क्षेत्र के हैं 4, जिनको हमने सम्मानित किया था अभी। ये सबसे बड़े गर्व की बात हमारे लिए और कोई एक साल भी ऐसा नहीं आया जब महेंद्रगढ़ का कोई बच्चा किसी आईआईटी में आईआईएम में आईएएस आईपीएस आईआरएस के अंदर नहीं आया हो। ये इस बात का सबूत है कि यहाँ पर जो शिक्षा का जो हब बना हुआ है वहाँ से बच्चों को बहुत बड़े पढ़ने के लिए सुविधाएं मिली है। वो बात अलग है कि गरीब इलाका है, अगर फीस फालतू है तो उसमें पेरेंट्स के लिए दिक्कत आती है कि वो कैसे उसको अफोर्ड कर पाएंगे, लेकिन फिर भी हमारे बच्चों के अंदर जो प्रतिभा है उस पर हमें गर्व है, मुझे पूरा विश्वास है। अगर साथ दे सरकार तो इस इलाके से आप 1, 2, 4 नहीं 40 और 50 आईएएस आईपीएस आईआईटी और आईआईएम के बच्चे यहाँ से हर साल निकाल सकते हैं। एक और अहम बात आपसे पूछूंगा, सरकार की तरफ से अभी देखा हमने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी की तरफ से 1000 करोड़ की सौगात रोड ट्रांसपोर्ट के लिहाज से दी गई, इससे महेंद्रगढ़ के विकास को कुछ पंख लगेंगे, महेंद्रगढ़ के लोगों को इसका फायदा होगा? ये जो फ्रेट कॉरिडोर की बात की जा रही है इससे कितना फर्क पड़ेगा? देखिए फ्रेट कॉरिडोर एक अच्छी बात है लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसकी शुरुआत कांग्रेस राज के दौरान हुई थी। जो D-152 आप बना रहे हैं हाईवे, जो एक्सप्रेस हाईवे एलिवेटेड बना रहे हैं, इसका प्रपोजल उस टाइम पे बना था। आज इस सरकार ने उसको बना करके ना थोड़ा सा एक्सटेंड कर दिया। पहले हम खंडूड़ा बॉर्डर पे इसको इस्माइला से कनेक्ट कर रहे थे, अब इन्होंने इस्माइला से पनियाला मोड़ पे कनेक्ट कर दिया है, जिससे इस क्षेत्र के लोगों को आने जाने में सुविधा रहेगी। इसमें कोई दो राय नहीं, अगर अच्छे काम कोई सरकार करती है तो हम उसकी सराहना भी करना जानते हैं क्योंकि हम कंस्ट्रक्टिव अपोजिशन के अंदर विश्वास रखते हैं, नकारात्मक अपोजिशन नहीं करना चाहते। लेकिन इसी जिले के अंदर जो
148 जो हाईवे है उसको अधूरा छोड़ दिया है, जिससे बहुत बड़ी समस्या इस इलाके के लोगों को देखने के लिए मिल रही है। एक तरफ से सरकार कहती है कि जिले से जिले को 4 लेन से जोड़ेंगे, जब महेंद्रगढ़ नारनौल जिला है और दादरी आपने जिला बना दिया, उसको कनेक्ट कर रहे हैं, तो आप बीच में लैंड एक्वायर करने के बाद भी आप उसको नहीं जोड़ना चाहते। तो ये एक सरकार के पार्ट पर कमी रही। जहां तक हमने पार्क बनाया उसकी मेंटेनेंस नहीं करा पा रहे हो, अगर उसमें ट्यूबवेल खराब हो जाता है तो उसकी मेंटेनेंस के पैसे इनके पास नहीं है। माली अगर रखे हैं तो हम उनकी तनख्वाह देने के लिए इनके पास रखे हैं। जहां पर 2 किले हैं हमारे पास, उन दोनों किलों की साफ सफाई और डेवलपमेंट की बात छोड़ो, हमने उस टाइम पे ईओआई एक देने का प्रयास किया था, जिसके अंदर टाटा और अग्रवाल जो नीमराणा वाले फोर्ट को चलाते हैं उनकी तरफ से एक ऑफर आया था, अगर आप दोनों किले हमें दे देंगे तो हम 200 करोड़ रुपए लगा करके यहाँ पर इन दोनों किलों को डेवलप करेंगे, ताकि जो सैलानी दिल्ली से जयपुर जाएंगे, राजस्थान जाएंगे, वो महेंद्रगढ़ को एक डेस्टिनेशन ऑफ स्टॉप बना करके यहाँ से निकल के जाएंगे, ताकि यहाँ के इलाकों को भी, इलाके के लोगों को रोजगार देखने का, रोजगार करने का और सैलानियों को रोजगार। एक बहुत बड़ी चुनौती है खासकर हरियाणा प्रदेश के लोगों के लिए, और सरकार ये कहती है कि हमने प्रदेश के युवाओं को 75% आरक्षण दिया है प्राइवेट नौकरियों में, हरियाणा के युवाओं को रोजगार मिलेगा, इसको लेकर। हाँ देखिए देखिए, मैं कहना चाहता हूँ, ये जो 75% आरक्षण की बात आती है, मैं इसको सही नहीं मानता। वो क्यों नहीं मानता सही कि आप 75%, आप देखिए जो टेक्निकल लोग हैं, जिन लोगों को आपके टेक्नोलॉजिकल नॉलेज है, जिनको उनको जॉब ओरिएंटेड कोर्स करा रखे हैं, ये सिर्फ वही अवेल कर पाएंगे। और हमारे बच्चे अगर सारे उस तरह के नहीं हुए तो 75 बाहर वाले आएंगे तो कहेंगे बाहर के बजाय यहाँ लोकल आदमी है, और ये सारे इकट्ठे होकर के कल यूनियनबाजी करने लग जाएंगे तो हम अनसेफ हो जाएंगे बिजनेस के अंदर। उन लोगों का मन मैंने देखा है पिछले 8 महीने से, एक पैसे की FDI नहीं आई, जो बाहर से आके यूं कह दे कि हम FDI लेके आ रहे हैं या इंडस्ट्री लगाना चाहते हैं। बल्कि यहाँ पर जो इंडस्ट्रियल हमने एक IMT बनाया था हमारे टाइम पे, जो भूपिंदर सिंह हुड्डा चीफ मिनिस्टर थे जब, उस IMT को हटा के इन्होंने IE बना दिया, इंडस्ट्रियल एस्टेट बना दिया, जो वो छोटी डेवलपमेंट के लिए आप छोटे उद्योग को लेने की बात करते हैं। तो ये सारी बातें एक तरह से काउंटर प्रोडक्टिव हो रही है। इन्होंने 75 का नारा दे दिया, लेकिन 75 से होगा क्या? और साथ में आप ये भी कह रहे हैं कि 5 साल और 15 साल का डोमिसाइल उसके अंदर यूज किया जाएगा। भाई डोमिसाइल तो एक होता है, 5 साल और 15 साल किस बात के लिए? इस बात का भी स्पष्टीकरण देख, 5 साल का डोमिसाइल कौन सा होगा, 15 साल का डोमिसाइल कौन सा होगा? इससे तो यहाँ पर हर तरह की एक असुविधा पैदा हो जाएगी। ठीक है राव साहब, अब पॉलिटिकल बातें भी थोड़ी करें हम, राजनीति, कांग्रेस की राजनीति की बात भी कर लेते हैं। विकास को लेकर आपने बातचीत की, अभय चौटाला ने कहा कि मैंने इस्तीफा दिया कृषि कानूनों को लेकर, सरकार लेकर आई, कांग्रेस के विधायकों को इस्तीफा देना चाहिए था, सरकार झुक जाती। और उसके साथ साथ एक सवाल साथ में ये भी कि ये जो कांग्रेस पार्टी है, कांग्रेस पार्टी में भी धड़ों को लेकर आरोप लगते रहे, आप लोग खुद भूपेंद्र सिंह हुड्डा की पैरवी करते रहे हैं, ये इन दोनों सवालों को लेकर आपका क्या कहना है, क्या आप लोगों को ऐसा लग रहा है? कांग्रेस एक है, कांग्रेस में कोई गुटबाजी नहीं, कोई पैरवी किसी की नहीं, पैरवी है तो सिर्फ एक कांग्रेस की है। जहां तक रही चौटाला साहब की रिजाइन देने की बात, वो उन्होंने एक अपने व्यक्तिगत तौर पे फैसला लिया। हम ये नहीं चाहते थे कि कांग्रेस के लोग विधायक इस्तीफा दें ताकि इसको पोलिटिसाइज किया जा सके। किसानों के जो दर्द की बात है वो हकीकत में जनता के सामने जानी चाहिए, इसलिए किसान के जो हित की बात है, पूरा प्रदेश और सभी चुने हुए जितने भी विधायक हैं वो सारे उसकी मदद के लिए तैयार हैं। लेकिन हम इसका राजनीतिकरण नहीं करना चाहते थे, हम ये चाहते थे किसान को जो सुविधाएं चाहिए वो उन्हें मिलनी चाहिए, हम उसमें राजनीति ना रखें। ये अपने अपने व्यक्तिगत विचार हैं, हमारी पार्टी के विचार ये थे कि हम मदद के लिए तैयार हैं लेकिन राजनीतिकरण नहीं करेंगे, इसलिए हमने ऐसा नहीं किया। अहिरवाल की राजनीति में हम चाहे राव इंद्रजीत की बात करें, कैप्टन साहब की बात करें, राव दानसिंह भी बड़े चेहरे हैं क्योंकि 4 बार आप भी अपने इलाके से जीत दर्ज कर चुके हैं। अब राव बीरेंद्र सिंह के बाद उस इलाके को सीएम नहीं मिला है, चेहरा नहीं मिला है, अहिरवाल क्षेत्र से आप क्या सोचते हैं, सीएम का चेहरा होना चाहिए? देखिए चेहरा तो लोगों की अपेक्षा है, उस अपेक्षा के अनुसार होना चाहिए और ये लोगों ने ही तय करना है कि कौन आदमी डिजर्व करता है, किसको बनाया जाए, कैसे बनाया जाए, ये सब राजनीतिक समीकरण की बात रहती है। लेकिन हर इलाके की बात रहती है कि जहाँ इलाके का मुख्यमंत्री रहता है तो उसका विकास ज्यादा होता है, इसमें कोई अनौपचारिक बात नहीं है। ये बात बिल्कुल सत्य है कि जिस इलाके के लोग हैं उनकी अपेक्षा रहती है। पिछली बार भाजपा ने चुनाव 2014 में लड़ाया था, 7-7 मुख्यमंत्री चेहरे बना दिए, जिससे उनको वोटों की एक तरह से ज्यादा मतलब पोलिंग परसेंटेज मिली, तो उसका इसमें कोई दोहरा ही नहीं। अगर हर क्षेत्र का आदमी चाहता है कि हमारे क्षेत्र का विधायक मंत्री बने, मुख्यमंत्री बने, तो क्या कांग्रेस पार्टी की अगर सरकार आती 2024 में तो आपको लगता है कि वहां से चेहरा होना चाहिए, आप ये कहना चाहते हैं? देखिए ऐसा है, ये फैसला तो हमारी पार्टी से बंधे हुए हम अपने तौर पे नहीं कहते, समझे?
लोगों की मांग है, पार्टी जो फैसला करेगी पार्टी के हिसाब से चलेगी। अही रेजिमेंट को लेकर भी सवाल छोटा सा आपसे, अही रेजिमेंट बननी चाहिए, अही रेजिमेंट के लिए मैं खुद कहता हूँ कि जो हमारे बच्चे जो आप ये देखते हैं नौजवान जो जाते हैं देश के अंदर, इतिहास है हमारा 1857 से लेकर के 1947 और फिर उसके बाद 62-65-71 और कारगिल के युद्ध जब भी हुए हैं, मैं गर्व से कह सकता हूँ कि एक भी युद्ध ऐसा नहीं रहा जहाँ हमारे योद्धाओं ने अपने प्राणों की आहुति देकर देश की रक्षा ना की हो, बल्कि आज भी इस देश की एकता और अखंडता के लिए अपने प्राणों की आहुति देकर इतिहास लिखने के लिए आगे रहते हैं। तो ऐसे लोगों को अगर यहाँ पर अहिर रेजिमेंट दूसरे समुदाय को दी हुई है तो अहिर रेजिमेंट बनने में क्या दिक्कत है? हम खुद मांग करते हैं केंद्रीय सरकार से कि वो इसके अंदर अहिर रेजिमेंट दे ताकि यहाँ के बच्चों में भी एक उत्साह और प्रेरणा मिले कि हमें भी इस बात के लिए जाना जा रहा है कि हमारे बच्चों को भी ये कहा जाए कि हम इस रेजिमेंट में काम करते हैं, गर्व से कह सकते हैं कि हमारी भी कोई आज भारतीय सेना के अंदर गिनती है। इस बात के लिए मैं उनकी मदद करना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि ये बात सही है। चलिए रावधान सिंह जी, आपने खबर फास्ट के उन सभी सवालों का बेबाकी से जवाब दिया जो सवाल हमने आपसे पूछे और जो आम जनता ने सवाल उठाए, बहुत बहुत शुक्रिया आपसे बातचीत के। कुछ चीजें और है जो मैं एक बात के लिए कहना चाहता हूँ जल्दी से वो जल्दी से ये है कि एक रोड हमने प्रपोज किया था जो महेंद्रगढ़ से लेकर के और सीधा आपको कनेक्ट करता था पचगावा को, जो कंवाली और बुरावड़ा होकर के पचगावा, जिससे कि हमारा फासला 42 किलोमीटर अप एंड डाउन कम हो जाता तो वो इस सरकार ने बिल्कुल खत्म कर दिया। जो 4-लेन रोड बना रहे हैं उसको जल्दी बनाए, यूनिवर्सिटी के सामने एक बहुत बड़ा सर्कल बना दे, वहां पर इस यूनिवर्सिटी का नाम श्री कृष्णा यूनिवर्सिटी सेंट्रल यूनिवर्सिटी हरियाणा रखना था, उसको आज तक आगे प्रपोज नहीं कर पाए हैं ये। उसके अंदर कृष्ण जी के एक स्थापना करके बता दें कि वाकई में ये यूनिवर्सिटी जो है ना सेंट्रल यूनिवर्सिटी हरियाणा के दक्षिणी हरियाणा के हिस्से के अंदर बनी हुई है और बहुत सारी चीजें हैं जो विकास की हमारे यहाँ। आपने एक एयर स्ट्रिप बनाई है बाछोद, उसको आप इंटरनेशनल कार्गो एयरपोर्ट के रूप में भी ले सकते हैं, जो इधर से तो NH8 को कनेक्ट करती है, इधर से 150 डूडी को कनेक्ट करेगी, इधर से 148 भी आपने बनाया था, अब उसका नाम क्या रखेंगे, उनको कनेक्ट करेगी, तो आपका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के अंदर एक मौका मिलेगा आपको कि अगर दिल्ली के अंदर किसी तरह से कोई बार फोग या कोई दूसरी चीज आती है और आपको लैंडिंग सुविधाओं की जरूरत पड़ती है तो आप वहां जाकर उनको विकसित करके लगा सकते हैं। एक बहुत बड़ा क्षेत्र है हमारा जो इस काम में आ सकता है, जब यहाँ पर उसका डेवलप करने की बात आप करते हैं तो वो उसके अंदर एक कड़ी को और जोड़ देगा, ये मैं कहना चाहता हूँ आप। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया राव साहब हमसे बातचीत के लिए, इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए धन्यवाद साहब, धन्यवाद। तो राव दान सिंह से हम बात कर रहे थे, महेंद्रगढ़ विधानसभा क्षेत्र से 4 बार विधायक बन चुके हैं और कांग्रेस पार्टी में पूर्व CPS रह चुके हैं, इस बार कांग्रेस पार्टी से विधायक है, लेकिन विकास को लेकर हमने बातचीत की, लोगों की समस्याओं को लेकर बात की, तो उनका यह कहना था कि जो कामकाज, जो विकास के कामकाज हमने शुरू किए थे, उन विकास के जो कामकाज हैं उनके ऊपर ग्रहण लगा है, उनके ऊपर ब्रेक लगाया है भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। उन्होंने कुछ बातें भी रखी, मांग भी रखी कि जो काम हमने शुरू किए थे उन्हें पूरा कर देते। इसके साथ साथ ये भी कहते नजर आए जो विकास के कामकाज है, 10,000 करोड़ से ज्यादा रुपए के निवेश की बात हो रही है महेंद्रगढ़ में, तो कहा कि अगर काम होगा, विकास होगा, तो उस विकास की हम सराहना भी करेंगे, चाहे विपक्ष में रहते हुए करें। फिलहाल मेरे साथ इस खास चर्चा में इतना ही, आप देखते रहिए खबर फास्ट। नमस्कार।